ऐसे नहीं होता, कहीं नहीं होता ऐसे। घर आए दामाद के साथ कोई ऐसा नहीं करता। दामाद किधर? दामाद इतनी बेइज्जती खुद करवाई है तुमने। हम मेरा साथ देंगे नहीं देंगे कभी। करने क्या गया था? बताया तो है, मंगेतर से मिलने गया था। किससे पूछ के? अरे लोग जाते ही हैं, झूठे सच्चे बहाने करके जाते और ससुराल वाले करते खातिर तवाज़ो। कभी टिक्के बिरयानी मुर्गे मुसल्लम पकौड़े समोसे, और उस आफाक ने मेरे साथ, और वहां से मिली सिर्फ बेइज्जत। मैं मंगनी तोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं ये मंगनी तोड़ दूंगा, बस बात खत्म। ये सब जो कुछ हुआ इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ज्यादा अफसोस तुम पर है आफाक। शिजरत चीख चीख कर कहती रही मगर तुमने यकीन ना किया। अब छोटे छोटे बच्चों की गवाही को मान गए हो। वो तुम्हारी बहन है, सबसे पहले तुम्हें उसकी बात पर ईमान लाना चाहिए था। बहन तो छोड़े, मुझे तो अपनी माँ तक पर यकीन नहीं रहा। आफा, वो लोग तो तस्वीर दिखाने पे भी राजी नहीं थे। शादी तक पर्दे का रिवाज है वहां पे। खैर, इतराज तो मुझे भी कोई नहीं था, तुझे बता दिया था कि नहीं। और सुनो, तुम क्या तोड़ोगे मंगनी? जवाब तो आएगा वहां से, भेजेगा आफाक, लिखवा ले। माजिया छुप छुप कर खालिद से टेलीफोन पर बातें करती थी और तुम लोग सब जानती थी। वो मैं आपको बताना चाहती थी, मेरा मतलब है मैं पूछना चाहती थी आपसे। लेकिन तुमने दोनों काम ना किए शाइस्ता। खालिदा बहन ने तो बस कभी कभार बात करने की इजाज़त मांगी थी, और रिश्ते में तो ऐसी नज़ाकतों का ख्याल रखना पड़ता है। वो कहने लगी कि दो अनजान लोग हैं, अगर कभी बात कर लेंगे तो थोड़ी बहुत आशनाई हो जाएगी। मैंने तुम्हें शादी के बाद देखा था, मिनट लगा था आशनाई में। मगर ये आजकल के बच्चे। क्या आजकल के? हमारा चलन ऐसा नहीं है। मुझे तो गुस्सा इस बात का है कि ये सब हमारी नाक के नीचे होता रहा। अम्मी ने मना किया था खालदा आंटी को, मैं भी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बुरा मानने लगे। मेरा मतलब है कि अम्मी ने कहा कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए, इसलिए मैं डर गई तो मैंने बात कर ली। हमारे घर बैठी लड़की को धमका रहे हैं वो क्या रिश्ता खराब करेगा? मैं भी फोन करके रिश्ता खत्म कर देता हूं।
अरे आफाक पागल हो गई हो? ऐसी अच्छी बादब खानदानी सुलझी हुई लड़की का रिश्ता इतनी मुश्किल से मिला था। हाय हाय, अब दिला नया जोड़ा जूतों का। भाई घिसना है, अब ढूंढना है रिश्ता, कोई आसान थोड़ी है अच्छा रिश्ता ढूंढना। तय कर लिया कि रिश्ता खत्म हो जाएगा क्या? हाँ तो ये उन्हीं के घर से फोन होगा, तो उठा लो भाई। उठा लो बात करो। तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए थोड़ी होगा। आपका जहन मिल गया था, काफी नहीं था जो अपने बेटे को आगे कर दिया आपने? लाओ मुझे दो, मैं बात करता हूँ। सलाम अलैकुम। आपसे ये उम्मीद नहीं थी खालदा बहन। लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है भाई साहब। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरों के लिए कतई बुरी नहीं है, लेकिन हम उन्हें बुरा समझते हैं। आप मेरी बात तो सुने। नहीं, आप मेरी बात सुने। साल भर का वक्त हमने तैयारी के लिए मांगा था, अब हम ही आपसे कह रहे हैं कि आप तैयारी कर लें, हम बहुत जल्द आपको तारीख दे देंगे। खुदा हाफिज। क्या? हेलो, ये आपने क्या कहा उनसे? मुझे तो कोई तैयारी नहीं है, और फिर कमेटी भी 6 महीने के बाद निकलेगी। ठीक फैसला है ये, सब कुछ हो जाएगा, मगर ये बेगैरती नहीं चलेगी इस घर में। क्या बोल रहे थे? शादी है? शादी की तारीख मांग रहे हैं, और ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं तो इस मंगनी मंगनी के हक में ही नहीं थी, मगर तुम भाई, तुम्हें ही बड़ा शौक था मंगेतर कहलवाने का। नहीं, मैंने इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, बस होगी बात खत्म। अरे क्यों नहीं करनी? फोनों पे बातें मटकाने का बड़ा शौक है। मैं तो कहती हूँ शादी हर मसले का हल है। एक मरतबा शादी हो जाए तो फिर उसके बाद मेरी तरफ से तुम उसको मोटर बाइक पे बिठा कर मौत के कुएं में चक्कर लगवाना। ठीक तो कहते हैं भाई साहब, मंगनी भी भला कोई रिश्ता होती है? खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हुई तो सारा खाया पिया हराम। तुम मुझसे बुक्स ले लो। तुम कैसे पढ़ोगे? मुझसे पैसे ले लो, उधार ले लो, जब पैसे हैं तो दे देना। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे उधार पैसे लूंगी? पर कैसे पढ़ोगी, एग्जाम्स नजदीक हैं। असल मसला ये है कि पिछला एडिशन बिल्कुल ही मार्केट से गायब है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, अल्लाह मालिक है। काम करते हैं हम, ओल्ड बुक हाउस चलते हैं, वहां से आधी से भी कम कीमत पे बुक्स मिल जाएंगी। ओल्ड बुक हाउस किधर है? यही वाली तो बुक कही थी सर ने। ये देखो, ये भी काम आएगी। वाकई भाई, वो आपको मैंने केमिस्ट्री की बुक का भी कहा था, वो दिखाएं। ये लें जी। थैंक यू। कितने पैसे हुए? 350 रुपए। बस 350? ₹500 का नोट है ना, इसलिए संभाल के रखा है, अगर गुम हो जाता तो। नींबू पानी पिए? हाँ जरूर, यहाँ
साथ ही रेस्टोरेंट है, वहां चलते हैं। ना बाबा ना, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। थैंक यू। तुम बहुत ही साफ और बाएतमाद लड़की हो शिजरत। अच्छा, कैसे? चलो। क्या ले भाई? यार ये जरा पंचर चेक कर ले। दो नींबू पानी बना के देना। हाँ परवेश, किधर है यार? मेरा फोन क्यों काट रहा है? अबे क्या फोन काटना है यार, बाइक का टायर पंचर हो गया था, बस वही बनवाने आया हूँ, घसीटते घसीटते ला रहा हूँ। तेरे घर भी गया था मैं दो बार, तो था ही नहीं घर पे। क्यों, कोई काम था क्या? क्यों, हम काम के बगैर नहीं मिल सकते? सुन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उस दिन वाली बात को लेके तू मुझे कुछ उखड़ा हुआ? अबे बोला ना यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तू कहता है तो मान लेता हूँ, वरना बचपन की दोस्ती है, फोन में शक्ल नजर नहीं आती मगर लहजा समझ में आ जाता है। अबे यार बोला ना भाई, लंबी क्यों कर रहा है? देख परवेज, बात सुन मेरी, अगर उस बच्चे को मैंने मारा है ना तो अपना भतीजा समझकर मारा है। किसी और का बच्चा होता ना तो उसके बाप का गरीबान होता मेरे हाथ में, अगर शहबाज होता तब भी। बिल्कुल खबर है, कहाँ गुम हो गया भाई? कुछ पूछा मैंने, कब मिल रहा है? जल्द, बहुत जल्द इंशाअल्लाह। तुम अपनी कमी और कमजोरियों को फखर की तरह बयान कर देती हो, ऐसे बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऑनेस्टली मैं कभी क्लास के सामने ये ना कह पाता कि मैं बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता। सच बताऊं, मैं इसके साथ पहली बार घर से बाहर निकला था, मैं रो पड़ा था, मुझे लगा लोग हंसेंगे, आवाजें कसेंगे, वो देखो संकड़ा जा रहा है। ऐसे क्यों कह रहे हो सिन्नान? लोगों ने कहा, मगर मुझे तो तुम्हारी स्टिक कभी भी कमजोरी नहीं लगी है। इस एहसास से जान छुड़वाने के लिए मैं आपसे बहुत बड़ी जंग लड़ी है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है हमारे लिए और तुम फतेहयाब हुए। मेरे अब्बू कहते थे, कामयाब और ताकतवर इंसान होता है जो अपनी कमजोरियों पर काबू पा ले। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो। तुम बहलाती बहुत अच्छा हो। शुक्र है, ये नहीं कहा बहलाती फुसलाती अच्छा हो, तोहमत लग जाती है ना। इसको कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। तुम्हारे घर आने का सोच ही रही थी। अरे यार, तुम्हारी कॉल्स का मुझे पता तो चला था, लेकिन मैं दुबई गई हुई थी, आज यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम सबकी खैरियत पता करूँ, स्पेशली सनान की। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, बस सनान के सिलसिले में तुम्हारे घर आना चाहती थी। पहले कुछ खाओ पियो, और डिनर के बगैर तो मैं जाने ही नहीं दूंगी। अरे डिनर भी हो जाएगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि सनान का क्या सिलसिला है? मैं जाने से पहले उसे अपने देवर से मिलवा के गई थी जो आर्थोपेडिक सर्जन है, और उसने बहुत उम्मीद दिलाई है मुझे कि इंशाल्लाह सनान की स्टिक छूट जाएगी। इंशाल्लाह, बस यही तो बात है, अब किसी और से बात करूंगी तो वो 100 सवाल करेगा। अब तुम्हें ज्यादा वजाहतें तो नहीं देनी पड़ेंगी ना मुझे?
मैं समझी नहीं। तुमने अपनी बेटी के लिए सिनान में दिलचस्पी का इजहार किया था। मैं सिनान के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आना चाहती थी तुम्हारे घर। तुम किसकी बात कर रही हो? रुबाब की? ओह नो, तुम ऐसी बात कैसे सोच सकती हो? तुमने सोचा था, भूल गई क्या? मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन शायद तुम भूल रही हो मिसेस इलियास कि अब सिनान क्या है। अब से क्या मतलब है तुम्हारा? वो इंशाल्लाह ठीक ठाक हो जाएगा, फिट फाट हो जाएगा। अभी तुम्ही तो उम्मीद दिला रही थी मुझे। उम्मीद का मतलब होता है 50-50 चांस, हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक था उस वक्त तो तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल नहीं आया, आज तुम मेरी हस्ती खिलखिलाती बच्ची के लिए अपने अपाहज। आई एम सॉरी, मेरा मतलब हरगिज तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारी बात ने मेरा दिल बहुत दुखाया। चलती हूँ, खुदा हाफिज। क्या कर रही हो माजी? किसका फोन काट रही हो? खालिद, तो बात कर लो ना ताकि फोन ही ना करे वो। कैसे बात कर सकते हैं शिजरा? उस दिन का फसाद याद नहीं है? हाँ, तो ये बात उसे समझा दो। एक काम करो, तुम कर लो बात, प्लीज मेरी खातिर। मामी को बता देते हैं, है ना, वो हैंडल कर लेंगी। नहीं नहीं शिजरत, अम्मी तो मुझसे ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वो तो उस दिन से डरी हुई कि कहीं खालिद गुस्से में आके रिश्ता ना तोड़ दे। अरे ऐसे कैसे तोड़ देगा, मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो, जब घर में कोई नहीं है तो फोन क्यों नहीं उठा रही हो? माजिया नहीं, शिजरत बात कर रही हूँ। तुम एक बात सुनो मेरी, तुम हो क्या? हाँ, कोई सच्चाई की देवी हो क्या? हो, एक बात नहीं संभाल सकती थी? मैं सच्चाई की देवी हूं या नहीं, आप झूठ के देवता जरूर हैं। आपको बचा के मैं खुद को फंसा लेती। एक बात सुन लो मेरी, तो मैं माफ नहीं करूंगा, याद रखना। आप मुझे धमका रहे हैं? शिजरत मुझे फोन दे, एक मिनट मुझे बात करने दो ना। देखिए अब ना आप यहाँ पे फोन मत करना खालिद भाई, वरना मैं ना अफाक भाई को बता दूंगी। और माजी अभी तो बात नहीं करना चाहती आपसे। शिजरत फोन मुझे दो। खालिद, मेरा मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि घर वालों को जब बात करना अच्छा नहीं लगता छुप छुप कर, तो वैसे भी अब हमारी शादी होने तो वाली है। तुमसे तो होगी अब शादी के बाद बात, लेकिन इस शिजरत को माफ नहीं करूंगा। ये सब जो है ना, ये सब इसकी वजह से हुआ है। इतनी गुस्ताख लड़की, इतनी गुस्ताख लड़की, इसकी जबान देखी है तुमने? खालिद, इसमें शिजरत का क्या कसूर है? हेलो हेलो, सॉरी शिजरत, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। ये जल्दबाजी में आपने तारीख का तो कह दिया, और यहां परेशान बैठे हुए आप। तुम मेरी परेशानी की फिक्र मत करो, ये बेगैरती जो हो रही थी मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। तो अब क्या करेंगे? हर कोई इस घर को देख के तो यही समझता है ना कि आपने बहुत कुछ जोड़ रखा है। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। इज्जत से बैठी हो, कभी किसी चीज की कमी तो नहीं हुई ना? जो मांगा दिया है, नाशुकरेपन की भी हद होती है। सच कड़वा लग गया आपको, ऐसे घर का क्या फायदा,
जो बैंक में गिरवी पड़ा हो? ये उनसे पूछो शाइस्ता, जिनके पास घर भी नहीं होता। और तुम फिक्र मत करो, अल्लाह मालिक है, बहुत कुछ बना देगा। सारे रिजल्ट आ गए? जी सर, सारे। डॉक्टर को दिखाने कहाँ जाऊँ? रूम नंबर 5 स्ट्रीट। मुझे लगता है शिजरत आपी का रिजल्ट आ गया है। हाँ, 91.2% आई है, 91.2। अबू का चैलेंज था ना, 90% आनी चाहिए। शिजरत का रिजल्ट आया है अबू, बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है। भाई ये तो होना ही था, आखिर मेरी भांजी कोई आम लड़की थोड़ी है। अबे दिखाओ भाई दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा नाम? मामू नाम नहीं होता, नंबर्स होते हैं। शिजरत बेटा, तुम मेरे साथ कल चलना, मैं तुम्हें नई किताबें, बैग, यूनिफॉर्म लेकर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे यूनिफॉर्म नहीं लेना, मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। मेरा मतलब है मैं अब यूनिवर्सिटी जाऊंगी ना। यूनिवर्सिटी? मम्मी आपने तो यूनिवर्सिटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। हाँ भाई, हमारी बेटी कहीं भी जा सकती है। अरे तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं रही भाईजान, खुशी के आंसू हैं। भाई आज कोई किसी किस्म के आंसू नहीं बहा जाएंगे, सब हंसेंगे जैसे लोग पार्कों में हंसते हैं। चलो शुरू हो जाओ, 1 2 3। अरे आओ आफाक आओ, बड़े अच्छे मौके पर आए हो, अपनी शिजरत बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई है। बहुत शौक था ना तुम्हें कि मैं टेस्ट करवा लूं, करवा लिया है। तसल्ली हो गई तुम्हारी, खुश हो गई तुम? अफाक भाई, ये तो आपकी रिपोर्ट्स हैं।
ये तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। ऐलान कर कि मैं तो ठीक हूं लेकिन मेरा शौहर ना मर्द है। नहीं नहीं आफत, हो गया आफाक के अबू, मेरी सारी खुशी मलिया मेट कर दी। मैंने मशवरा दिया था, फॉल्ट तो मैंने नहीं डाला। मिश्रा करो, बस कर दो। मेरा भतीजा आफाक, या अल्लाह फजल कर दे बच्चे पे, फजल कर दे। कहाँ है वो, नहीं चल रहे हैं क्या साथ? अरे भाई जान दो, गुमसुम से बैठे हुए, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही उनको कहने की कि हमारे साथ चले। हमें उन्हें साथ जाना पड़ेगा, मेरे आईडी कार्ड का इशू है। वो फाक वाले मामले ने तो सारा घर हिला कर रख दिए, तो मैं क्या करूं? तो खुद ही चलते हैं फिर, अल्लाह मालिक है, चला जा। अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई सुबह सुबह? अब भाईजान वो यूनिवर्सिटी शिजरत का दाखला करवाना है ना। यूनिवर्सिटी जाना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तो अम्मी से कहा था कि आपको ले चलें, अम्मी कह रही हैं कि तंग ना करो। इसमें तंगी कैसी, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? तुम एक मिनट ठहरो, आता हूं मैं। हेलो, कैसा लग रहा हूं? वाह, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं।
शिजत बेटी के साथ यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ भाई। आजा बेटा। देख रहे हो सुमैया का तंतना, बड़ी नंद हूं, एक घंटे से आकर बैठी हुई हूं, मिलने तक नहीं आई। चाय पानी पूछना तो दूर की बात। बाजी मैंने आपसे पूछा तो है, आप ही ने किसी भी चीज के लिए मना कर दिया। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा। अभी दूसरी शादी का ऐलान कर दो, देखो कैसे बिल्लियों की तरह लोटियां लगाएगी तुम्हारे पैरों में। सिर्फ एक हाँ कहने की देर है, कसम से रिश्तों की लाइन लगा दूंगी मैं तो। कौन छोड़ेगा ऐसा अच्छा रिश्ता? अच्छी तरह जानती हैं, ये बात नहीं मान सकती। अरे भाई ऐसा भी क्या इश्क हो गया, ऐसी कौन सी हूर परी है ये? बात इश्क और हुस्न की नहीं है बाजी, अगर दूसरी शादी से भी औलाद ना हुई तो सारा इल्जाम दुनिया मुझ पर रख देगी और मैं ये मरकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा जैसा चल रहा है वैसी चलने दें प्लीज। बुलाओ अब उसे। जी आ रही है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही? अब आप रोजाना इसी तरह से घर के कपड़ों में पढ़ने के लिए जाएंगी? हाँ जी। मैं भी यूनिवर्सिटी जाऊंगी। इंशाल्लाह जरूर। शबाज़ मुझे पानी का जग देना और अम्मी आप मुझे पराठे में अंडा लपेट दें। कैंटीन से लेकर नहीं खाओगी? गरीब आदमी हो यार, समझा करो। मैं क्या बात करनी थी? जीना हराम कर दिया फाग भाई ने मेरा, खासी दुश्मनी कर बैठे हैं मुझसे। जीना तो उनका अपना भी हराम हो चुका है। इंसान अपने लिए कम पर राजी नहीं होता, उसे परफेक्शन चाहिए होती है और यहाँ तो बात अपनी जात अपनी अना के हवाले से है। तो इस दुनिया में तो और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो बे औलाद हैं। हाँ मगर वो उम्मीद पर जीते हैं, तुम्हारे फाग भाई की तो उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। तो इसमें मेरा क्या कसूर? अरे यार किसी का कोई कसूर नहीं है, यहां तक कि वो खुद भी कसूरवार नहीं है। लेकिन किसी मर्द के लिए ये एहसास के उसके बेऔलादी का जिम्मेदार वो खुद है, बहुत जैसा होता है। उसे दफनाया नहीं जाता। तो जितना भी रद्देअमल जाहिर करें काम है, मित्रों का उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। क्या मैं दूंगी वक्त? अरे नहीं नहीं, वक्त देने से मुराद है कि सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करो यहां तक कि सारा गुबार निकल जाए। तुम्हें बड़ा तजुर्बा है। ये वक्त बड़ा उस्ताद है शिजरत। एक वो वक्त था, साल में घर से निकलना मेरे लिए सख्त शर्मनाक और अज़ियत आमेज था, मगर अब ये वक्त है। मैंने सोच लिया कि जो नहीं रहा उस पर रोने की बजाय जो है उस पर खुश हूं, फिर सब ठीक हो गया। तुम्हें पता तुम्हारा मसला क्या है? तुम सिर्फ अपनी मुश्किल अपनी आजमाइश को देखते, जबकि यहां पे हर इंसान
एक अलग आजमाइश में मुब्तला है, सबके अलग दुखड़े हैं। अबे यार ये डॉक्टर भी खुला माल बनाने का टंटा है भाई, खुली बेशर्मी है। इनको क्या है, जो इनके मुंह में आता है कह देते हैं। तुझे इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, भाभी का दिमाग साफ कर, ये औरतें जो होती है ना इस तरह की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं, समझ रहा है ना तू? यार उसका मसला नहीं है, उसे तो मैं समझा लूं। शिजरत ने बस। शिजरत? उसने क्या किया? गन भर दिया बीवी के दिमाग में। अब मैं क्या कहूं यार, है तो तेरी फूफू की बेटी मगर है बहुत खुले मिजाज की, अच्छा बुरा तो सोचती ही नहीं, समझती ही नहीं। गुलरेज एक बच्चा है यार, गलती कर गया, हमारे पास आती, हमें बताती, हम समझाते। लेकिन यार बुरा मत मानना, ऐसा नहीं होता कि अपने लिए कोई और उसूल, दूसरों के लिए कोई और उसूल। क्या मतलब? छोड़ यार। नहीं नहीं तू बोल, क्या बोल रहा था? नहीं यार तू नाराज हो जाएगा, छोड़। बोल ना। मुंह से नहीं कह सकता, देखना चाहता है तो चल के मेरे साथ अपनी आंखों से देख ले। तो क्या तुम भी दुखी हो सनान इसकी वजह से? थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, इतना तो जायज है। शायद वक्त के साथ ये मलाल भी जाता रहे। सनान देखो मैं रो दूंगी, इस तरह मायूसी वाली बातें तो तुमने पहले कभी नहीं की हैं। पता है शिजरत, दुख जरूरी होते हैं, इंसान को नेमतों का शुमार करना सिखाते हैं, शुक्रगुजार बनाते हैं। वो देखो, वहां देखो, सूर्य का घोंसला गिर गया, लेकिन अब वो हवाओं से लड़ तो नहीं रहे, दोबारा एक एक करके तिनका उतारिए घोंसला बनाने के लिए। दुखों से उभरना पड़ता है शिजरत। चिड़िया को सेमेस्टर की फीस नहीं देनी ना? शिजरत तुम सभी, कोई लतीफा नहीं सुनाया मैंने, तुम हंस हंस के लोट पलोट हो रहे हो। लेकिन मैं क्या करूं, तुम आगे से सनान देखिए।